नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में करंट अफेयर्स के कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और देखिए कि क्या कुछ खास है जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और इस घंटी को दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी मेहनत को उचित सम्मान मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2019 को कहां रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोच्ची। तो दोस्तों कोच्ची के BPCL के द्वारा जो तैयार किया गया है विस्तारित भवन, उसका जो है राष्ट्रपति, इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद दोस्तों ये कोच्ची का जो क्षेत्र है PSU के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो है एक तरह से बन जाएगा संस्थान तो रिफाइनरी का। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर दो है कि अमेरिका ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को किस देश को छोड़ देने का आदेश दिया है। देखिए, हमेशा ऐसा होता रहता है कि अमेरिका जो है अपने कर्मचारियों को और नागरिकों को आदेश देते रहता है, ठीक है। तो यह इस बार भी हुआ है, और यह क्यों हुआ है देखिए पहले उत्तर जान लेते हैं कि ये कौन सा देश है जहाँ से सभी सरकारी कर्मचारी को देश छोड़ देने का आदेश दिया है अमेरिका ने। ये है वेनेजुएला। तो दोस्तों देखिए, वेनेजुएला ने जो है अभी हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। तो उन्होंने क्या किया है कि अमेरिका के साथ सारे जितने संबंध है सब संबंध को तोड़ने का फैसला लिया, जिसके बाद जो है अमेरिका ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को देश वेनेजुएला को छोड़ देने का आदेश दिया है। प्रश्न नंबर तीन है कि निम्न में से ICC द्वारा घोषित टीम ऑफ द ईयर 2018 का कप्तान किसे बनाया गया है। और उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, विराट कोहली का। देखिए, विराट कोहली जो है ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर और ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर में चुने गए हैं, और दोनों टीमों के कप्तान नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में ICC का सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार जीता है। प्रश्न नंबर चार है कि निम्नलिखित में से किस लुप्त प्राय प्रजाति के डॉल्फिन को हाल ही में बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक, सी लिंक जो है, के समीप देखा गया है। और उत्तर है दोस्तों, हालांकि देखिए आंसर हमारा जो अगर बी हो जाएगा, हम्प बैक डॉल्फिन। लेकिन अभी भारत में सबसे ज़्यादा गंगा रिवर डॉल्फिन ही पाया जाता है, लेकिन ये हम्प बैक डॉल्फिन वहाँ देखा गया है। अब देखिए, हाल ही में जो है शोधकर्ताओं द्वारा महाराष्ट्र के बांद्रा वर्ली सी लिंक के समीप लुप्त प्राय हम्प बैक डॉल्फिन के एक समूह को देखा है। सामान्य तौर पर हम्प बैक डॉल्फिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के क्षेत्रों से सटे तटीय इलाकों में देखी जाती है। प्रश्न नंबर पाँच है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय पर्यटक अब नेपाल और किस देश के यात्रा के दौरान आधार कार्ड का इस्तेमाल वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में कर सकेंगे, ठीक है। 15 साल से कम और 65 साल जो 65 वर्ष है उससे अधिक उम्र के भारतीय पर्यटक जो है अब नेपाल और किस देश के जो यात्रा पर जाएंगे तो आधार कार्ड का इस्तेमाल वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में कर सके, यानी कि यहाँ पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कौन सा देश है दूसरा? और दोस्तों उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भूटान। देखिए, गृह मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय पर्यटक अब नेपाल और भूटान यात्रा के दौरान आधार कार्ड का इस्तेमाल वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में कर सकेंगे।
तो एक नेपाल हो गया, दूसरा जो है भूटान है, जहाँ जो है आधार कार्ड जो है वैध कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा पिछले साल घोषित किए गए सबसे उम्र दराज पुरुष जो है मसाजो नुनाका का कितने वर्ष की उम्र में जापान के ओसोरू में उनका निधन हो गया है। और देखिए ये मसाजो नुनाका जो है ये थे, ऑप्शन हमारा जो आंसर हो जाएगा 113 वर्ष के। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 है कि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित ने जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से किस बीजेपी सांसद को ज्यूरी कमिटी स्पेशल अवार्ड सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए एक तो हिमाचल प्रदेश के हैं और हमीरपुर के बीजेपी सांसद है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये बीजेपी सांसद कौन है, चार ऑप्शन है और जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हमारा हो जाएगा अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर को जो है सांसद रत्न अवार्ड दिया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में कितने महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा किया है। उत्तर है दोस्तों 20%। देखिए केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में 20% महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की है और रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना पुलिस में महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि क्रिकेट इतिहास में किस खिलाड़ी ने पहली बार तीनों आईसीसी यानी कि दोस्तों क्रिकेट ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर एक साथ अपने नाम किया है। ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो कि तीन जो आईसीसी के तीन जो है क्रिकेट ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो है खिताब जीता है। देखिए उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। जी विराट कोहली है जिन्होंने जो है ये तीन ठीक है तीनों बड़े आईसीसी अवार्ड्स जो है अपने नाम कर लिए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 1% लोगों के पास 50% आबादी के बराबर संपत्ति है। ये किसने कहा है, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, ऑक्सफेम या फोर्ब्स ने। उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सफेम। देखिए ऑक्सफेम रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2018 में प्रतिदिन 2200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है और इस दौरान देश के शीर्ष 1% अमीरों के पास, अमीरों की जो संपत्ति है उसमें 39% की वृद्धि हुई है, जबकि 50% गरीब आदमी आबादी के जो है 50% गरीब आबादी के संपत्ति में महज 3% की बढ़ोतरी हुई। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 1% लोगों के पास 50% के बराबर की जो है संपत्ति है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। चार ऑप्शन है और जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों LIC। तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि LIC ने सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली और इस अधिग्रहण के साथ LIC अब IDBI बैंक में बहुलांश यानी बहुत अधिक शेयर धारक हो गया है। प्रश्न नंबर 12 है किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने देश में 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन हो जाए ए नेपाल ने। देखिए नेपाल राष्ट्र बैंक ने देश में 100 रुपये से अधिक मूल्य के नोटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है और नेपाली नागरिकों को भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में 2500 रुपये या 200 रुपये के नोट ले जाने
या लाने की अनुमति नहीं होगी। प्रश्न नंबर 13 है कि फ्रांस और किस देश ने एक नई मैत्री संधि आहेन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसका उद्देश्य जो है एक दूसरे का बचाव, दोनों देशों में मित्रता बढ़ाना और दोनों देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में जो है सुधार करना है। ये किस देश के साथ जो है संधि हुआ है, मैत्री संधि का नाम आहेन रखा गया है, और उत्तर है दोस्तों जर्मनी। दोस्तों ये था जर्मनी, और फ्रांस और जर्मनी ने एक नई मैत्री संधि आहेन पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसका पूरा उद्देश्य एक दूसरे को बचाव, दोनों देशों में मित्रता बढ़ाना और दोनों देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ खास और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे अपनी कमेंट के माध्यम जरूर बताएं, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों को तो शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ दोस्तों 730 से अधिक वीडियो जो है आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जो कि विभिन्न टॉपिक पे हैं, खासकर जीके से रिलेटेड सारे वीडियोज़ हैं दोस्तों। और घंटी को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।